मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट ऑफ एनएसएस स्कूल। आज अपनी क्लास 7th का अपना साइंस का चैप्टर चल रहा था सेकंड, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। यानी एनिमल्स के अंदर जानवरों के अंदर किस प्रकार से खान पान होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, पोषक तत्व वो कैसे जाते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है, वो अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन देख रहे थे जो लार्ज इंटेस्ट पिछली क्लास में अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, एनिमल के अंदर एलिमेंट्री ग्राम का पार्ट होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद में अपन एलिमेंट्री ग्राम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत जिसको अपन कहते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, देखो शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना छोटी आंत, उससे छोटी होती है लेंथ के अंदर, ठीक है, एंड इन लेंथ बट ग्रेटर इन वेट, मतलब इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, व्यास ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। और ये पूरी ऐसे गोल घूम के होती है, जो कि आप इसके अंदर कॉइल फॉर्म में होती है, ठीक है, ये ज्यादा ब्रॉड होती है। इसकी देखिए अगर हम देखते हैं लेंथ तो करीब 1.6 मीटर होती है एडल्ट के अंदर, ठीक है, वो 6 to 7 मीटर की छोटी आंत एडल्ट के अंदर। और इसकी जो डायमीटर करीब 6 सेंटीमीटर यानी 1 इंच से भी ज्यादा होती है इसकी डायमीटर होती है, प्लस इसकी बॉल करके करीब इतनी मोटाई आ जाती है, ठीक है, इसकी चौड़ाई रहती है। फिर अनडाइजेस्टेड है अनअब्सॉर्ब फूड, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है जो अभी तक पचा नहीं है, ठीक है, और अनअब्सॉर्ब यानी जिसको शोक नहीं लिया गया, एब्जॉर्ब नहीं किया गया, ऐसा फूड जो होता है अलॉन्ग विथ वॉटर बाकी के साथ में मूव डाउन इन, ठीक है, वो आगे के मूव करता है किसके अंदर, इसी की जो आपकी जो बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसी का एक अपर पार्ट होता है जिसको अपन कोलन कहते हैं, इसके आगे ये मूव करता है, ठीक है। उसके बाद में एब्जॉर्ब वॉटर के लिए पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंड यूजफुल मिनरल्स, और जो आपके इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व जो होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज है, पोटेशियम वगैरह, सब ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है यहाँ से खाने के अंदर से। और अनडाइजेस्टेड फूड, बाद में जो कचरा बचता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो सेल्युलोज होता है, जो मतलब फूड के आपके ज्यादा मल बना देता है, ठीक है, जो जिसको हम फीसेस या आपका एक सीधा मल कहते हैं, वो आप क्या होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में और एक केज फॉर्म में और आगे से आगे मूव करता रहता है, ठीक है। ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड और इसको अपन क्या बोलते हैं फीसेस, ठीक है, जिसको अपन सीधा भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, मल होता है, ठीक है। फिर इट्स स्टोर्ड, ये जो होता है फीसेस आपके कहां स्टोर हो जाता है, आगे जाके रेक्टम में आता है, ठीक है, जो आपका करीब करीब एंड पॉइंट आ जाता है आपकी बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, वहां पे स्पीकर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर एक अर्थ होती है, जग होता है, जिससे आपको ये लगता है कि मतलब फ्रेश होना है, ठीक है। तो पर उस समय क्या होता है, ये सारा जो होता है रेक्टम के अंदर आने के बाद में एक्सपैंड आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी टू एनस, ठीक है। फिर जो एनस होता है गुदादार जिसको अपन कहते हैं, वहां से उस ओपनिंग से क्या होता है, एलिमेंट्री के नाम की सेकंड ओपनिंग होती है, फर्स्ट ओपनिंग माउथ होती है, सेकंड ओपनिंग जो होती है वो एनस होती है, वहां से क्या होता है बाहर निकल जाता है और इस पूरी प्रोसेस को अपन इगेशन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है ये एलिमेंट्री कैनाल की कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो अपन कनेक्ट करती है, जो जूस होता है, सीक्रेशंस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करती है अंदर जाइलम के कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में ये सीक्रेट करती रहती है, और ये किसमें हेल्प करती है, ये एंजाइम्स होते हैं या जो भी जूसेस होते हैं ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो है आपकी तीन आती है, एक तो आती है आपकी सैलिवरी ग्लैंड जो आपके मुंह के अंदर होती है, दूसरी होती है लीवर जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और तीसरा होता है आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, पैनक्रियास। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आपके सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, ये कहां लोकेटेड होती है, मुंह के अंदर होती है, जब भी आपको अच्छे खाने की स्मेल आती है, मुंह में पानी आ जाता है, मुंह होता है सलाइवा होता है, या फिर खाना चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो उस समय मुंह के अंदर जो वाटर सेक्रेशन होता है, पानी आता है, मुंह होता है सलाइवा होता है, होता है वो पानी खाने के साथ में मिक्स होके उसको पेस्ट फॉर्म में लेके आता है ताकि निकलने में आसानी हो, ठीक है। प्लस इसके साथ में ये मुंह के अंदर लगी होती है, सिक्रीट करती है वाटर सब्सटेंसेस जिसको अपन सलाइवा कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ये करती है एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है माइलेज। ये माइलेज जो होता है क्या करता है, ब्रेक करता है इन सॉल्युबल स्टार्च को, इन सॉल्युबल यानी जो सॉल्युबल नहीं है, जो घुलनशील नहीं होता है स्टार्च, उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करवा के, ब्रेक करवा के वो सॉल्युबल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो आगे डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद में सेकंड जाती है अपनी आपकी लीवर, या आपका बिगेस्ट ऑर्गन भी होता है बॉडी का, ठीक है, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, रेड इज ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, आपके ठीक है भूरा लाल रंग का ही होता है, और ऑन राइट साइड कहाँ पे सिचुएटेड होता है बॉडी के अंदर, राइट साइड पे होता है, और स्टमक आपके स्टमक जो होता है वहां से उसके ऊपर की साइड में ये सिचुएटेड होती है, ठीक है, फिर वहां पे राइट साइड होती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का ही है, और इसका वेट जो होता है एडल्ट के अंदर करीब 3 किलो तक होता है, बहुत भारी ग्लैंड भी होती है, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट येलोइश ग्रीन लिक्विड, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको अपन बाइल जूस के नाम से जानते हैं, ये सिक्रीट करती है। और ये बाइल जूस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके डाइजेशन पार्ट के अंदर, बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन होता है, नेचर इसका जो होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, एंड हेल्प्स इन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड, फूड के अंदर जो एसिडिटी होती है खाना खाने के बाद में जो डाइजेशन
होता है प्रोसेस भी जब जो से ये आपके एसिटोनस सीक्रेट होता है एसिटिक लाइकोपोरिक एसिड तो खाना वहां से रिमूव हो जाता है आपके स्टमक से, तो उसके बाद में भी जो एसिडिटी रहती है उसको रिमूव करने में भी इसका योगदान होता है, खाने के अंदर एसिडिटी बन जाती है ठीक है, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल किसी कारण से उसको भी क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है ठीक है, एसिड बेस मिलकर क्या बन जाते हैं सॉल्ट बन जाते हैं न्यूट्रलाइज होता है, तो उसको हेल्प करता है। और एक इसमें हेल्प करता है ऑल्सो हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट का ब्रेक ब्रेक डाउन जो होता है मतलब एसिड वगैरह ठीक है, उसको फैटी एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट करने में भी इसकी मदद होती है ठीक है। उसके बाद में बाइल इज टेंपरेरली स्टोर्ड इनटू अ होलो पियर शेप्ड ऑर्गन, एक खाली पियर जो होती है ठीक है नाशपाति उस शेप का एक ऑर्गन होता है जो होलो होता है खोखला होता है, उस ऑर्गन अंग के अंदर ये बाइल जो है वो टेंपरेरली जाके स्टोर होता है जिसको अपन गॉल ब्लैडर नाम से भी जानते हैं ठीक है। ये होता है ये सब कुछ क्या है लिवर के बारे में। उसके बाद में अपन बात करते हैं पैनक्रियास की, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लैंड होती है आपकी डाइजेस्टिव सेक्रेशंस को लेके ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ये आपकी वी शेप होती है पत्ती नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यहाँ आपके सारे के स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, बिलो द स्टमक स्टमक के नीचे होती है सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूसेस, और ये क्या सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करती है, और ये जो जूसेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डाइजेशन के अंदर क्योंकि आपका डाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, प्रोटीन को मदद करते हैं और आपकी फैट जो होता है उसको भी ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करने में मदद करती है ठीक है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स जो होते हैं जो अमीनो एसिड बनाने में मदद करती है कन्वर्ट करवाने में, और जो फैट होता है उसकी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में मदद करती है, तो देखिए लिपिड होती है ग्लूकोज होती है कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी का महसूस होता है, उसके प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, तो इस प्रकार से इसका ये रोल होता है ठीक है। तो आज के टॉपिक में अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ी थी, इसके अंदर सेलेबरी ग्लैंड्स पढ़ी थी, फिर लीवर पढ़ा था, फिर पैनक्रियास पढ़ा था ठीक है। आपके होमवर्क के अंदर आपको जो रिव्यू टाइम देने का क्वेश्चन ब्लैंक वाले वो आपको करने हैं, उसके आगे के टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में।